आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को बुरा भला कहने वाले दिल्ली के बड़े मुस्लिम नेता व पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने केजरीवाल की उंगली पकड़ ली है। शोएब इकबाल की छवि दल बदलू नेता की है। अब तक उन्होंने 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है और 4 बार जीत हासिल की है। पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और हार को गले लगाया था। इससे पहले वे 2 बार जनता दल, 1 बार जनता दल सेकुलर और 1 बार पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले शोएब इकबाल ने केजरीवाल को मुस्लिम विरोधी बताया था और उन्हें कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल पूछा था। देखें, मुसलमानों के लिए पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि आपने मुस्लिम इलाकों को देखा, उनकी सूझबूझ थी कि 5 सालों में रोकने के अंदर कभी आप गए, सिलमपुर गए, जामा मस्जिद इलाके गए, बंदी मारान आप गए, पुरानी दिल्ली के जहाँ मुस्लिम आबादी वाले, वहाँ एक जगह आप नहीं गए। तो इसका मतलब है कि आपको वोट चाहिए मुसलमान का। फिर देखें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये आरएसएस की बीटी आज की तारीख के अंदर आरएसएस की बीटी में, देखें वे आम आदमी पार्टी को पार्टी भी मानते थे या नहीं, उनकी नजर में ये पार्टी नहीं थी बल्कि आरएसएस की बी टीम थी। शोएब इकबाल कल क्या कह रहे थे इस पार्टी को सुने। इतना बेवकूफ न समझे कि मुसलमानों को खासतौर से अरविंद केजरीवाल पार्टी जो मुख्तसर से लोग हैं, 4-3 2-3 लोग हैं, तो पार्टी आर्टी तो मैं नहीं कहता, इसको ना पार्टी बनी है अभी तक, इसके कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उस पार्टी को चला रहे हैं। नेता कितना मतलबी और स्वार्थी होता है उसकी जीती जागती मिसाल आज के नेता हैं। उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। जिन बातों को लेकर शोएब इकबाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ थे, लेकिन आज उन बातों को ताक पर रखकर अपने फायदे के लिए केजरीवाल की गोद में बैठ गए हैं। देखें कल किस तरह केजरीवाल को 370 और बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे थे शोएब इकबाल। गौर से देखें, कश्मीर के अंदर जो 370 जो हटाने की बात की उन्होंने, उसमें उसको बीजेपी सरकार के दिल्ली में उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट किया उन्होंने और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने वोट दिया है। इसको लेकर दिल्ली के अखिलेश तो मुसलमानों में खासतौर से बहुत बेचैनी और बहुत गम गुस्सा है। बाबरी मस्जिद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल की तरफ से किए गए स्वागत पर भी शोएब इकबाल ने सवाल खड़ा किया था और इतराज जताया था। देखें क्या कह रहे हैं शोएब इकबाल। अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि हम जो मंदिर बनाने का जो फैसला और जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसका एहतराम करते हैं और हम उसको मानते हैं। यही नहीं मानते हैं तो हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल साहब को ये सोचना चाहिए था कि आप दिल्ली, ये नहीं कि आप किसी एक हिंदू पक्ष के नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के हर धर्म के, आप मजहब के मानने वालों की, सबके दिल्ली वालों की, सबके आप मुख्यमंत्री, आपने एक पक्ष देखा, आओ ना आओ इतनी जल्दी आपने फैसले की कोई वो भी नहीं पड़ी अपना कि भाई उसकी जो पूरा डिसीजन है कि आए उस्ताद साहब आपने फौरन कह दिया जी नहीं नहीं हम वेलकम करते हैं। तो उससे दिल्ली के अंदर जो आम लोग हमारे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं और इस तरह से बात हो रही, दिल्ली का मुसलमान उससे बेहतर खपा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर भी शोएब इकबाल ने केजरीवाल का मजाक उड़ाया था और उन्हें घेरते हुए सवाल पूछा था कि वे 2 नीति कैसे अपना रहे हैं, कश्मीर में कुछ और नीति है और दिल्ली के लिए कुछ और। देखें क्या कह रहे हैं शोएब इकबाल। आप दिल्ली के अंदर कहते स्टेट हुड मिले, दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिले, लेकिन आप हम वहां से खुद मुकम्मल रियासत को
अपना खत्म करके लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहाँ अपना रूल चाहते हैं, सेंटर का रूल चाहते हैं, वहाँ फेवर कर रहा हूँ दिल्ली को मुखालफत करते। बहरहाल इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आप और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला होगा। चौतरफा यही शोर है आप सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन समीकरण वक्त और माहौल के हिसाब से बदलता है। राजनीति की नब्ज देखने वाले मानते हैं आपका ग्राफ नीचे जा सकता है और भाजपा को भारी जीत हासिल हो सकती है। कैसे, इसके लिए अगली खबर का इंतजार करें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।